दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आप पूरी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मैदा, जिगर और गुर्दों की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं या आप इन बीमारियों का शिकार हैं और आप दोबारा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको इन 5 छोटी छोटी टिप्स पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। आप इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से बच भी जाएंगे और अगर हैं तो इनसे ठीक हो जाएंगे। टिप नंबर 1, खाना पकाने के बर्तन बदलें। दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ गला हुआ खाना खाने से होती हैं और हम सब भी गला हुआ खाना खा रहे हैं। आप पहले गले हुए खाने और पके हुए खाने में फर्क समझ लें। जैसा कि एक सेब पका हुआ होता है और एक सेब गला हुआ होता है। गले हुए सेब को आराम से चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पके हुए सेब को खाने के लिए मुशक्कत करना पड़ती है। इसी तरह गले हुए और पके हुए खाने में भी फर्क होता है। जब हम मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो ये पकता है, और जब हम स्टील, एल्युमिनियम और सिल्वर वगैरह के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो ये गलता है। सबसे पहले आप अपने बर्तन बदलिए। आप खाना पकाकर खाइए, ना कि गलाकर खाइए। आप यकीन करें, जिन लोगों ने भी अपने बर्तन बदल लिए उनकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी टिप, आप अपना कुकिंग ऑयल बदलें। आप कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी ना जमे। दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल जैतून का तेल है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैतून के बाद नंबर आता है सरसों का तेल, जो कभी जमता नहीं है। सरसों का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो पूरी जिंदगी नहीं जमता। आप इसमें जो चीज भी डालेंगे वो इसे जमने नहीं देती। इसकी जिंदा मिसाल है अचार। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है वो कभी खराब नहीं होता, उसे जाला नहीं लगता। जब सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाता है तो ये आपको किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं होने देता। लिहाजा सरसों के तेल के फायदे ही फायदे हैं। पुराने जमाने में जब जानवर बीमार होते थे तो बुजुर्ग कहते थे कि इनको सरसों का तेल पिला दें। आज हम सबको भी सरसों के तेल की जरूरत है, लिहाजा हमें भी सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए और हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरी टिप है नमक। आप अपना नमक बदल लें। बेहतरीन सेहत के लिए नमक अच्छा कौन सा है? वो नमक जो मिट्टी से निकलता है। आज भी सबसे बेहतरीन नमक दुनिया भर में पाकिस्तान की खेवड़ा कान का नमक है। आलमी सतह पर ये नमक बहुत महंगा है, लेकिन हमारे यहाँ ये 10 या 20 रुपए किलो है, लेकिन हम इसके होते हुए भी अपने घर में आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना है वो हमने खाना छोड़ दिया है और मस्नूई नमक हम इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। लिहाजा सबसे पहले अपना नमक तब्दील करें। चौथी टिप है हमारा मीठा। आप अपना मीठा बदल लीजिए। सब लोगों को दिमाग काम करने के लिए मीठा चाहिए होता है, और मीठा अल्लाह ने मिट्टी में रखा है, और वो है गन्ना। इसकी पैदावार है गुड़, जो हमने छोड़ दी है, और हमने मस्नूई चीज चीनी खाना शुरू कर दी है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और हमें दिमागी अमराज पैदा कर रही है। लिहाजा आप चीनी छोड़ेंगे और गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आखिरी और पांचवी टिप है हमारा पानी। आप अपना पानी बदल लें। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और पानी भी जमीन से निकलता है, और हम इस पानी को छोड़कर मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं जो इंतहाई नुकसानदेह है। आप अपने घरों में जमीनी पानी टेस्ट करवाएं और वो इस्तेमाल करें, और आप यकीन करें सेहतमंद हो जाएंगे। और जमीन से निकलने वाली गंदम को इस्तेमाल करें। आटे को कभी छानकर इस्तेमाल न करें, आटा वैसे ही इस्तेमाल करें। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी बगैर छने हुए आटे की रोटी खाया करते थे। अब इन टिप्स को हम जरा रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। आपने खाना हमेशा पकाकर खाना है। आपने ऑयल वो इस्तेमाल करना है जो जमे ना, और नमक हमेशा पत्थर वाला इस्तेमाल करें। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, और पानी मिनरल वाटर की जगह जमीन का पानी इस्तेमाल करें। अगर आपने इन 5 टिप्स पर अमल कर लिया तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से बताई गई ये 5 टिप्स आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको सबसे ज्यादा अच्छी टिप कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतजार रहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा पाए।